कोतवाली पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए गैंग पकड़ी है, जिसमें अभी तक 11 मेंबर हमने गिरफ्तार किए हैं। ये गैंग उन व्यक्तियों को टारगेट करती थी, ग्रामीण क्षेत्र के उन व्यक्तियों को टारगेट करती थी जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी। गैंग में कुछ लड़कियां भी हैं, ये लड़कियां उनसे शादी करती थी पैसा लेने के एवज में, और एक दो दिन रहकर वहां से निकल जाती थी। तो मामला इस प्रकार प्रारंभ हुआ कि एक थाना सुंदर सिंह जिला साजापुर में एक जीओ पर FIR हुई, जिसमें गुलनाज नाम की महिला ने 376 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं में FIR कराई। जीओ की FIR होकर थाना कोतवाली में FIR आई। चूँकि गंभीर धाराएं लगी हुई थी तो थाना प्रभारी कोतवाली ने बहुत गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन किया। जिसके खिलाफ FIR कराई थी उस आरोपी को इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया कि मैंने इसके साथ कोर्ट में शादी की है, ये मेरी पत्नी है। इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि महिला का एक बॉयफ्रेंड भी है और वह बॉयफ्रेंड एक यहीं के एक दलाल के संपर्क में, शादी के 4-5 महीने पहले से संपर्क में था और उसी दलाल के माध्यम से इस लड़की की शादी साजापुर में कराई गई। इस लड़की ने शादी से पहले अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनाया, मूल तो इसका नाम गुलनाज है और फर्जी आधार कार्ड में इसने अपना नाम मनीषा रखा है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमने कुल 11 ऐसे लोगों को पकड़ा है। अभी तक मनीषा गुलनाज उर्फ मनीषा ने अभी तक विभिन्न राज्यों में 11 शादियां की हैं और ये शादी के दूसरे या तीसरे दिन में नहीं वहाँ से सामान बस लेकर निकल जाती थी। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन आरोपियों को इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उनको आरोपी बनाया जाएगा। अन्य जिले के पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है, कई अन्य जिलों में भी इस तरह की घटना की गई होगी तो वहाँ के पुलिस के सहयोग से भी आगे की कार्रवाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।